ये शख्स लिखते हैं कि अब तो मेरे बाल भी सफ़ेद हुए, मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन माँ जी को कौन समझाए कि बचपन से अब तक जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, माँ जी फौरी बालकनी में आ जाती हैं कि कहीं सड़क से कोई मुझे उठाकर ना ले जाए, या ये देखने आती हैं कि क्या मैंने सड़क अच्छे से पार कर ली। माँ जी ने अपनी इस ड्यूटी में कभी नागा नहीं किया। तो मैं इतना ही कहूँगी कि दरख्त बूरा होकर फल ना भी दे, साया ज़रूर देता है। काश ये बात हर औलाद को वक्त पर समझ आ जाए कि माँ बाप से ही बहार है, माँ बाप से ही साया है। इनकी मौजूदगी हमारी हिफाजत है, इनकी मौजूदगी से ही हम मजबूत हैं। औलाद जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, चाहे उसके बाल सफ़ेद हो जाए, चाहे उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएं, चाहे उनके हाथ कांपने लग जाएं, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप की उंगली और उसके हाथ का मोहताज होता है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को उनकी हयाती तक सलामत रखे, और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।